सबसे पहले हम आटा गूंथ कर रेडी कर लेंगे। आटा ध्यान रहे ना तो बहुत टाइट हो ना बहुत पतला हो, क्योंकि अगर टाइट होगा तो हमारी आलू की पिठी बाहर निकलेगी। तो उसके बाद हम आलू बॉईल करके रखे हैं। बॉईल करने के बाद हम ये आलू की पिठी रेडी करेंगे। पिठी हमने रेडी की हुई है, उसमें आप अच्छे तरह से हाथ से मैश करेंगे और अपने टेस्ट के अनुसार आप उसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला और मिर्च काट भी सकते हैं और पिसी हुई भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च, हरी मिर्च यूज़ करना चाहते हैं तो हरी मिर्च, हमने अपने अनुसार इसमें बहुत ही कम मसाले डाले हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब देखिए, हम आपको आलू का पराठा बनाना सिखाएंगे। ये लोई ली है हमने, देखिए अब लोई को इस तरह से थोड़ा सा फैलाएंगे। इस तरह फैलाने के बाद उसमें हम हल्का सा ये घी लगाएंगे। इस तरह घी लगाने से क्या होता है दोस्तों कि हम जब इसमें पिठी भरते हैं तो हमारी पिठी बाहर नहीं निकलती है। कभी कभी क्या होता है कि पिठी आटे से बाहर निकलने लगती है। ये देखिए, हम इसमें ये आलू की पिठी भरेंगे। धीरे धीरे इस तरह इसको स्टफ को बंद करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह, ये देखिए, देख ले कहीं से आपकी लोई में से स्टफ बाहर ना निकला हो, देख लीजिए। ठीक है, अब आप उसको हल्का सा इस तरह से फैलाएंगे धीरे धीरे हाथ से। अगर आप तेज करेंगे तो आपकी पिठी लोई से बाहर निकल सकती है। हल्के हाथ से इसको फैलाएंगे। देखिए, फैलाने के बाद अगर आपको लग रहा है दोस्तों कहीं से आपकी पिठी फटी है, जैसे कि हमारा हल्का सा यहाँ से हुआ है, तो उस पर ये सूखा पाउडर ऐसे डाल देंगे और आप हल्के हाथ से बेलन से उसको फैलाएंगे। धीरे धीरे फैलाएंगे और उसको बड़ा करेंगे। देखिए अभी हमारा बिल्कुल फैल गया है और आप धीरे से, ध्यान रहे तवा गर्म हो, ठंडे तवे पर ना डालें। अब इसको आप ये ध्यान रखें कि नीचे से अगर आपका थोड़ा तिल चटा हो गया है, सिक गया है, तो इसको ऐसे पलट देंगे। दोनों साइड से सिकने के बाद आप इसको घी से, रिफाइंड से, जिस तरह आप खाते हैं उस तरह उसको सेक लेंगे। ये देखिए, हम अब इसको देखेंगे दोनों साइड से सिक गया है। ये देखिए, दोनों साइड से सिक गया है। तो अब इसको हम घी के साथ सेकेंगे, थोड़ा सा ऊपर डालेंगे और इसको पलटते हैं। दोनों साइड से हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है।
देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा आलू का पराठा रेडी है। अब आप इसको दही के साथ या पुदीना हरी मिर्च की चटनी के साथ किसी, या टोमेटो केचप के साथ किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।